हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम बतला चुके थे डिफरेंट किंगडम सिस्टम के बारे में। आज हम बतला रहे हैं फाइव किंगडम सिस्टम जो व्हिटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरे विश्व में इसे बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये इनका जो आधार था वह सेल स्ट्रक्चर था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस तरह से इस जो सिस्टम का जो मेरिट है वह है ये यूग्लिना और दूसरे जो ट्रांजिशन टाइप हैं, जो एनिमल और प्लांट के बीच के ट्रांजिशन टाइप है, इसे ये बोथ को जो प्लांट एंड एनिमल का के बीच का है, इन्हें ये अलग किंगडम में दे दिए हैं, प्रतिष्ठा दे दी है। फंजाय जिसमें इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल, ये सब के कारण ये प्लांट और एनिमल से डिफरेंट है, इसलिए इन्हें एक सेपरेट प्लेस दिया गया है। मोनेरा एक सेपरेट किंगडम निकाला गया है जिसमें जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन्हें रखा गया है। इस तरह से क्योंकि मोनेरा का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब डिफरेंट है। इसी तरह से प्लांट और एनिमल ये मोर होमोजीनस है। ये सिस्टम ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिज्म, प्लांट में हुआ, एनिमल में वो कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में यह शो करता है। इस सिस्टम का जो डिमेरिट्स है, इसमें पहला है जो प्रोटोजोन्स और यूनिसेलुलर प्लांट्स जो है इन्हें एक ही ग्रुप प्रोटिस्टा में रखा गया है, जबकि ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह डिफरेंट है। यूग्लिना जो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल का, और स्लाइम मोल्ड्स ये सब जितने हैं, इनका फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल है, ये ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटरोट्रॉप्स भी है, इनके लिए एक इंटरमीडिएट किंगडम होना चाहिए प्रोटिस्टा के अतिरिक्त, सोने रखा गया है। वायरस और वायरोइड इन सब को जो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है, इनके लिए कोई प्लेस नहीं दिया गया है। लाइकेंस जो फंजाई और अलगी के बीच का कड़ी है, इनके लिए भी कोई इस सिस्टम में स्थान नहीं है। ये डिमेरिट्स है व्हिटेकर के फाइव किंगडम सिस्टम का।